देश भर की करीबन 1% गाड़ी भारत में है, लेकिन अगर एक्सीडेंट की बात करूं तो 10% एक्सीडेंट सिर्फ भारत में हुआ करते हैं। मेरे पीछे एक एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट की दुर्दशा मैं आपको क्या बताऊं? लोगों का बताना है कि यहाँ पर जो गाड़ी थी वो ओवरलोड थी। ओवरलोड होने के वजह से गाड़ी असंतुलित हो गई, जिसके बाद वो टक्कर हुई और उसकी टक्कर एक स्कूटी से हुई। स्कूटी पर दो लड़कियाँ सवार थी, जिसमें से एक की मौत हो गई है, एक को अस्पताल पहुँचाया गया है। मुख्य वजह जो थी वो ओवरलोडिंग थी। ओवरलोडिंग के वजह से भारत देश में न जाने कितने ही एक्सीडेंट रोज़ाना हुआ करते हैं। और यहाँ पर लोगों ने मुझे बताया कि करीबन आधा घंटा वो लड़की उस पिकअप के नीचे दबी रही, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाज़ा है। टोल प्लाज़ा लेने के दौरान तो हमसे जबरन लगाया जाता है ये चार्जेस वो चार्जेस, तमाम चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन जब टोल प्लाज़ा की फैसिलिटीज़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो उसमें एक फैसिलिटी के तौर पर ये भी है कि अगर रोड पर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसे आधे घंटे के अंदर क्रेन से हटाना होता है। लेकिन यहाँ पर क्रेन की कोई भी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई है। आप देख सकते हैं पुलिस वाले आम लोगों की मदद से ये जो भी सामान है वो पीछे करवा रहे हैं, और यहाँ पर जो पिकअप था उसे भी पुलिस वालों ने ही हटवाया है। क्रेन की कोई भी सुविधा टोल के द्वारा नहीं की गई है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है टोल। ये बात खास है, इसलिए खास है क्योंकि हमसे टोल लिया जाता है, और टोल लेने के नाम पर वो लोग तमाम फैसिलिटीज़ हमसे गिनवाया करते हैं। NHAI बार बार ये इस बात का जिक्र करती है कि हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको ड्रिंकिंग वाटर दे रहे हैं, हम आपको टॉयलेट्स दे रहे हैं, हम आपके लिए एम्बुलेंस की सुविधा कर रहे हैं, हम आपके लिए क्रेन की सुविधा कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि जब इस तरीके की दुर्घटना हो जाती है तो मौके पर कोई भी मौजूद नहीं होता है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि दुर्घटना बहुत बड़ी थी, लड़की की मृत्यु हो गई है और यहाँ पर क्रेन की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। लड़की कितने देर करीबन फंसी? लड़की आधा घंटा फंसी थी, आधा घंटे के बाद पुलिस आई। पुलिस आई। अच्छा, यहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी पर टोल है? 1 किलोमीटर से कम है, 1 किलोमीटर से कम है। टोल वालों की तो जिम्मेदारी होती है? कोई जिम्मेदारी, कोई सुविधा वहाँ है ही नहीं, जिम्मेदारी क्या लेंगे वो? वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, मौके पे किरान है ना, इमरजेंसी एम्बुलेंस है, कोई ऐसी व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। उन लोगों की तो जिम्मेदारी है क्रेन भिजवाना यहाँ। जब वो टोल ले रहे हैं तो क्यों नहीं जिम्मेदारी, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम टोल दे रहे हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी टोल प्लाजा वालों की है। अब आप यहाँ पर, मैंने आम लोगों से भी बातचीत की तो आप देख सकते हैं किस तरीके की लापरवाही यहाँ पर की जा रही है। और सिर्फ ये एक घटना नहीं है, हज़ारों ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जाती है टोल वालों के द्वारा। और अभी मेरे आने के बाद शायद ये टोल वाले लोग आए हुए हैं, एक दो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये टोल वाले लोग हैं। चलिए इनसे फिर से एक बार बातचीत कर लेते हैं, हालांकि मुझे पता है कि ये लोग बार बार कहेंगे कि मैं इन लोगों के काम में विघ्न डाल रही हूँ। ये इन भैया से मेरा दूसरी बार रूबरू हो रहे हैं। भैया, फिर से वही सवाल, क्रेन की फैसिलिटी क्यों नहीं मुहैया कराई? क्रेन के लिए बोला गया, अभी आया नहीं है। पता है कितना समय हो गया? मैम यहाँ पे पिकअप थी भैया? नहीं नहीं, पिकअप हट गई है, क्रेन पिकअप किसने हटाई है पता है आपको? पुलिस वालों ने किससे हटवाई पता है आपको? किससे? कैमरे की तरफ देख लीजिए, किसने हटाई पता है आपको? हम क्रेन नहीं है तो नहीं कर सकते हम, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। क्रेन आपको कोई जिम्मेदारी? आपको एक बार जवाब इसका दिया नहीं, आपको आपकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। देख लीजिए आप ये किस तरीके से बता रहे हैं कि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्रेन नहीं है तो नहीं भिजवा पाए, बस बात खत्म। लेकिन अगर आप पैसा नहीं देंगे तब इनकी जिम्मेदारी है। पैसा आपसे किस तरीके से निकलवाना है, चाहे वो गुंडागर्दी करके निकलवाए, चाहे आपकी जेब में से निकाले, तब इनकी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन जब किसी तरीके का हादसा हो जाता है तब इनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। हज़ारों ऐसे हादसे रोज़ाना हुआ करते हैं। और मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहती हूँ, भारत में पूरे देश का सिर्फ 1% गाड़ी है और एक्सीडेंट के मामलों में 10% हुआ करते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की सुविधाएं भारत देश में हैं, किस तरीके की फैसिलिटी टोल वाले प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरीके से आम लोग जागरूक हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।